का सबसे आज हम क्वेश्चन करेंगे, कौन अगर किसी पर जादू हो रहा है या जादू हो चुका है तो कौन सी अलामत जाहिर होती हैं इंसान पर या उस घर पर, तो आज हम शख्स से पूछेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। मोहम्मद अबै साहब, आपका जो सवाल है कि कौन सी अलामात उसके ऊपर जाहिर होती हैं जिसके ऊपर जादू हो रहा होता है। जिस पर जादू हो रहा होता है, सबसे पहली अलामत उसकी जो ज़हनी कैफियत है वो बदलना शुरू हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रही होती घर जा रहा हूँ बाहर आ रहा हूँ, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये अलामत डिस्कस फरमाई और सहाबियात और अल्लाह के नबी की बीवियाँ वो भी देख रही थी सारे माजरे को। तो ये अलामत पहली इसकी। और इसी तरह एक अलामत है जो हमारे तजर्बे में आई है, वो है कि वो शदीद गुस्से में रहता है, उसे समझ नहीं आती कि वो गुस्सा कब आया और वो यानी नुकसान कर दिया उसने। इसी तरह उसके जिस्म के अंदर दर्द रहना शुरू होता है जी। इसी तरह फिर आगे जाके इसकी वैसा मुख्तलिफ कैटागरियाँ हैं जी। अगर मियाँ बीवी को अलग करने वाला जादू है तो फिर उस पर हरकतें और तरह की होती हैं। अगर मोहब्बत वाला जादू है, किसी को अपने वाल माइल करना, तो फिर उसकी अलामात और आती हैं और हरकतें और होती हैं। अगर सुस्ती वाला जादू है जिसे सेहर खमूल कहते हैं तो उसकी अलामात उसकी हरकतें और होती हैं। अगर यानी कि उसके ऊपर अलैदगी वाला जादू है जिसे सेहर तफरीक कहते हैं तो फिर उसके ऊपर हरकतें ये होती हैं कि आपस के अंदर शदीद नफ़रत, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, छोटी बात को पहाड़ समझते हैं, आपस में बैठना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ बातचीत पसंद नहीं होती और जनाब एक दूसरे के काम अच्छे नहीं लगते। मोहब्बत वाले जादू के अंदर जो हरकतें शुरू होती हैं वो ये होती हैं कि बंदा हर वक्त बीवी की जमा की ख्वाहिश रखता है, वो किचन में गई है उसको देखता रहता है, ये बंदे के अंदर हरकतें शुरू हो जाती हैं। इसी तरह सेहरे खमूल के अंदर ये होता है कि बंदा सुस्त पड़ा रहता है, काम को दिल नहीं करता, गुनूदगी छाई रहती है, हर वक्त बंदे के अंदर अजीबोगरीब कैफियत रहती है। तो ये मुख्तलिफ इसकी जो ना हरकतें होती हैं। अमूमी तौर पे जो सारे मरीज़ों के अंदर पाई जाती हैं अलामात, वो गुस्सा है और जिसम में दर्द है, बंदे को पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैफियत, मेदे में दर्द होना शुरू हो जाती है, असर के बाद घबराहट शुरू हो जाती है, ये अलामत तकरीबन सब में होती हैं। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।